हे गाइस, स्वागत है सबका और एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आपके पास एक रियलमी डिवाइस है और आपका डिवाइस एंड्रॉयड 11 रियलमी UI 2.0 में अपडेट है, तो आपका डिवाइस में एक मेजर प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, वो है बैटरी ड्रेन इशू। तो फ्रेंड देखिए, अगर आप आपका रियलमी डिवाइस रियलमी UI 1.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 10 में डाउनग्रेड करना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को लास्ट देखना। मैं फुल प्रोसेस आपको बताऊंगा, आप कैसे रियलमी UI 1.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 10 में आप आपका डिवाइस डाउनग्रेड कर सकते हो, रोल बैक कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए, इसके लिए बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन रखा गया है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखना, स्किप तो बिल्कुल ही मत करना। अगर आप वीडियो को ध्यान से नहीं देखते हो तो आपका डिवाइस में बहुत ही ज्यादा लॉस हो सकती है, आपका सर्विस सेंटर्स भी आप विजिट करना पड़ सकती है। तो इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, लास्ट देखना, और मैं जितने सारे प्रोसेस आपको बताऊंगा आप अच्छी तरह से उसको फॉलो करना। दोस्तों बहुत ही आसान प्रोसेस है, इसके लिए आपको कुछ बात यहाँ पे ध्यान से रखना है, तो मैं एक एक करके बताऊंगा। तो यार, वीडियो अगर बनने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों फटाफट जाके वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों फटाफट जाके चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना। मैं इसी तरह का वीडियो रोजाना अपलोड करता रहता हूँ इसी चैनल में, तो दोस्तों जाओ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अगर आपके पास किसी भी रियलमी डिवाइस है, जैसे कि रियलमी 7 प्रो, रियलमी 7, नार्जो 20, नार्जो 20A, रियलमी X2 प्रो, रियलमी X2, रियलमी 6 प्रो, रियलमी 6, सभी डिवाइस का जो सेटिंग है सेम टू सेम होता है, तो आप वीडियो को देखते रहिए, फुल प्रोसेस आपको बताऊंगा। तो दोस्तों देखिए, पहले तो इसका कुछ टर्म एंड कंडीशन रखा गया है जिसको आप ध्यान से सुनना। तो पहले जो टर्म एंड कंडीशन है वो है आपका डिवाइस में 60% की अबव चार्ज होना चाहिए, ये फर्स्ट टर्म एंड कंडीशन है। और जो सेकेंड टर्म एंड कंडीशन है वो है आपका डिवाइस में जितने सारे डाटा है, वीडियो फाइल या फिर फोटो वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स होता है, उसको आपको पहले बैकअप करना पड़ेगा। अगर आपके पास किसी भी SD कार्ड है तो आप वहाँ पे जाके बैकअप कर लीजिए, रिस्टोर कर लीजिए, या फिर आप आपका ईमेल आईडी में उसको बैकअप कीजिए, ये दूसरा। और तीसरा जो टर्म एंड कंडीशन है वो है, आप एक बार रोल बैक करने के बाद आप जो अर्ली एक्सेस का अपडेट होता है, जो बीटा अपडेट होता है, वो आप नहीं कर पाओगे, डायरेक्ट आप स्टेबल अपडेट में अपडेट कर पाओगे, लेकिन जो अर्ली एक्सेस या फिर बीटा अपडेट है वो आपका डिवाइस में आप अपडेट नहीं कर पाओगे। तो ये थर्ड टर्म एंड कंडीशन है। तो दोस्तों चलते हैं अब फुल प्रोसेस की तरफ। तो पहले देखिए दोस्तों, पहले आप आपका कोई भी ब्राउजर में चले जाना, कोई भी ब्राउजर, क्रोम या फिर आप किसी भी ब्राउजर में चले जाना। जाने के बाद आप उस ब्राउजर में लिखना रियलमी सॉफ्टवेयर अपडेट वेबसाइट। तो दोस्तों देखिए, आपको कुछ इसी तरह एक वेबसाइट में आ जाना है। आने के बाद इधर आपको जो आपका डिवाइस है उसको आप ढूंढना, यहाँ पे सभी डिवाइस है रियलमी का, तो पास जो डिवाइस है आप उसको यहाँ पे सर्च कर लेना। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे रियलमी 7, रियलमी 7 प्रो, तो यहाँ पे देखिए रियलमी 7 प्रो डिवाइस में जो आप डाउनग्रेड वर्सन है यहाँ पे है वो है 11.8.37, ये है रियलमी UI 1.0 एंड्रॉइड 10। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको ये जो डाटा वर्सन है, ये जो वर्सन है, इसको आपको पहले डाउनलोड कर देना है। तो दोस्तों देखिए, इधर आपको येलो कलर में डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जस्ट आपको इसको पहले डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ये जो फाइल है ना, ये फाइल आपका डिवाइस में फाइल मैनेजर में आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए, आपका डिवाइस में जो फाइल मैनेजर का डाउनलोड फोल्डर होता है उसको आप उसमें आप ये जो फोल्डर है ना, ये आ जाएगा इस फोल्डर में, डाउनलोड फोल्डर में आ जाएगा। दोस्तों देखिए, जस्ट आप उस फाइल के ऊपर टैप करना है, टैप करने के बाद नीचे देखिए मूव का ऑप्शन आ जाएगा, जस्ट मूव करने के बाद आप आपका फोन स्टोरेज में इधर आपको इधर पेस्ट कर देना। तो दोस्तों देखिए, इधर पेस्ट हो गया है। तो पेस्ट होने के बाद आप बताइए इसका मेन प्रोसेस, तो आप इस प्रोसेस को ध्यान से देखना। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, आप ध्यान से देखना, नहीं तो आपका डिवाइस डेड हो सकती है, आपको सर्विस सेंटर विजिट करना पड़ सकती है। दोस्तों फिर आपका डिवाइस आपको स्विच ऑफ कर लेना है, जैसे कि आप स्विच ऑफ करते हो आपको उसी तरह स्विच ऑफ इधर से कर लेना है। जस्ट आपको नीचे की तरफ स्वाइप करना है, यहाँ पे पावर ऑफ ऑप्शन आ जाएगा, जस्ट आपको पावर ऑफ कर लेना है। पावर ऑफ ऑन करने के बाद आपको ध्यान से देखना है। तो दोस्तों देखिए, पावर ऑफ करने के बाद आप आपका फोन का जो पावर बोटम होता है और जो वॉल्यूम आप बोटम है, दोनों एक साथ आपको पेस करके रखना है, आपको कुछ ही टाइम के लिए रखना है, और आपका डिवाइस यहाँ पे रिकवरी मोड में आ जाएगा। तो रिकवरी मोड आने के बाद आपको क्या करना है, आप अच्छी तरह से देखना। तो दोस्तों देखिए, रिकवरी मोड करने के बाद आपको कुछ इसी तरह आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों देखिए, इधर आपको जो इंग्लिश आएगा ना, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस को सिलेक्ट करना है, तो ऊपर में आपको इंग्लिश लैंग्वेज आ जाएगा, जस्ट आपको इंग्लिश लैंग्वेज में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर देखिए, आपको
रियलमी यूआई रिकवरी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और इधर देखिए आपको ऊपर में इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जस्ट आपको ऊपर में जो ऑप्शन आ जाएगा इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज, उसी ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इसी तरह इंटरफेस आ जाएगा, वेब डाटा, जस्ट आपको यहाँ पे वेब डाटा में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका डिवाइस यहाँ पे रियलमी यूआई 1.0 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 10 में डाउनग्रेड हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही आसान प्रोसेस है, आप अच्छी तरह से समझ गया होगा। आपको पहले आपका डिवाइस में 60% अबव चार्ज होना चाहिए, मस्ट भी होना चाहिए 60% अबव चार्ज, नहीं तो आपका डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए बहुत ही सिंपल है, पहले तो आपका डिवाइस का मुताबिक उसको जो डाउनग्रेड पैकेज है रियलमी सॉफ्टवेयर अपडेट वेबसाइट में इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद मैंने जितने प्रोसेस आपको बोला है उन प्रोसेस को आप एक एक करके फॉलो करना, आपका डिवाइस में बहुत ही आसानी से डाउनग्रेड हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल में नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाना, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मैं वहां पे आपको जरूर गाइड करूंगा, या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, आपका कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक टाटा गुड बाय, जय हिंद।